तो चाइना अगर हम पे अटैक करता है तो सबसे पहले हमारे लिए आके खड़ा होता रशिया। देश को चाहिए कि ऐसे लोगों को चुने जाकि देश अच्छा चल सके। चाइना ने वैसे भी हमें तीन तरफ से तो ऑलरेडी घेर के रखा, श्रीलंका में बना के रखा है। हमारे पास तो आई भी नहीं वो योजना, ना हमारे मेले में आई ना किसी को मालूम। तो जहाँ पे अपना फायदा दिखता है वो वहाँ पे काम कर। लेकिन मुद्दा और चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री जी का ही है, मोदी जी का ही। नहीं, आने वाले लोगों को फायदा मिलना था। कई ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए थे वो भी हुए। मोदी ने जो देश में विकास का काम किया है वो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और आपका रोड से लेके सब आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। जितना उसने करा है जैसे अपने एमपी में जितना भी करा है बहुत कुछ करा है, जैसे फ्लाई ओवर हुआ, ब्रिज वगैरह हुए, जैसे मेट्रो आ रही है। कांग्रेस तो सिर्फ पैसा दबाते हुए आई है बस। इंटरनेशनल संबंध तो हमने पूरे खत्म कर लिए। हमारा जो रशिया में सपोर्ट करता था आज हमने सब संबंध बिगाड़ दिए। इंटरनेशनल नीतियों में तो बीजेपी सरकार थोड़ी कमजोर रही। महंगाई कम होगी तो सभी अपने आप उससे सही हो जाते। रशिया जो हमें सपोर्ट पहले जो खुल के करता था आज आप वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। विश्व में महंगाई चल रही है, विश्व से अच्छा की अपेक्षा ठीक है भारत की महंगाई, विश्व में बहुत क्राइस चल रहा है। योजनाओं का फायदा तो मिल रहा है गवर्नमेंट, जैसे अभी 1250 में लाडली बहना। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। नमस्कार, मैं अमित आयरन द खबरदार न्यूज से। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासत शुरू हो चुकी है, पार्टियों ने अपनी अपनी बिसातें बिछा ली हैं। किस तरह से एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से पहले अपने बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में सोचता है, पार्टियों के बारे में उसकी क्या राय है और सरकारों से क्या अपेक्षाएं और शिकायतें हैं, आइए हम जानते हैं क्या सोचता है एक आम मतदाता सरकार और आने वाले चुनावों के बारे में, आइए उसे जानते हैं। सर नमस्कार, शुभ नाम सर आपका। सीएल कैथल सर, भोपाल के ही रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अब बिल्कुल हमारे सर पे आ चुका है, क्या राय है आपकी, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या हम किस तरह से नए चुनाव को देख रहे हैं? वर्तमान में लोकसभा का पर्व चल रहा है, वर्तमान में जो सरकार है सेंट्रल में वो ठीक है और जो नेता है नरेंद्र मोदी जी वो विश्व के एक पटल पे बहुत अच्छे नेता है और देश को चाहिए कि ऐसे लोगों को ये चुने जाकि देश अच्छा चल सके। किस योजनाओं ने, किस काम से मोदी जी क्या प्रभावित हो रहे? मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए कई योजना चालू की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास, अन्न योजना और आयुष्मान भारत है। और हाँ, तो सरकारी योजनाओं से अगर कोई सरकार का चेहरा अच्छा लगता है या उसके काम हमें अच्छे लगते हैं, वो काम धरातल पे दिख रहा है? काम चेहरा तो बहुत है लेकिन काम के हिसाब से वर्तमान सरकार जो चल रही है बहुत अच्छी है। कुछ महंगाई के बारे में सरकार नहीं कर पा रही? देखो विश्व में महंगाई चल रही है, विश्व से अच्छा की अपेक्षा ठीक है भारत की महंगाई, विश्व में बहुत क्राइस चल रहा है उससे तो भारत अच्छा है। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने राम मंदिर का उद्घाटन रखा, आपको लगता है कुछ करीब होगा? बहुत सालों से लंबित था और अच्छा किया, भारत एक हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जो होना चाहिए मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, मंदिर बना और समय सीमा में बना, तय सीमा में बना, भारत के जनता के लिए ठीक है। विपक्ष की एकजुटता जो इंडिया गठबंधन बना है आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो विपक्ष में अधिकतर वही है जो भ्रष्टाचार किया है, उन्हीं का गठबंधन है और भ्रष्टाचार होने से देश की आर्थिक स्थिति भी खराब होती है और नाम भी खराब होता है, इसलिए अभी लगाम लगी है, आगे देखो क्या होता है। जो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं वो लग रहा है आपको कि क्रॉस होगा? होना तो चाहिए लेकिन अब जनता पे है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, आइए और भी लोगों से इस विषय में जानते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या उम्मीद रखते हैं आप आने वाली सरकार से? आपका नाम बता दीजिए। मुश्ता खान। मुश्ता भाई बताइए, उम्मीदें तो बहुत कुछ है। अभी वर्तमान में जो सरकार थी उससे आपको क्या फायदा, एक गरीब आदमी को, आम जनमानस को क्या फायदा हो? आम जनमानस को फायदा नहीं, योजनाएं चल रही हैं सरकारी उससे कितना फायदा है? जो
लक्ष्मी लाली बालाजी है, ये इसी का ही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। पीएम विश्वकर्मा आपके जैसे लोगों के लिए उन्हें एक योजना चलाई है और एक गरीब तबके के जो मजदूर वर्ग है उसके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई है, कहीं आपको उसका फायदा नजर नहीं आ रहा? हमारे पास तो आई भी नहीं योजना, ना हमारे महल्ले में आई, ना किसी को मालूम। आज जनपद से लेके नगर पालिका तक उस योजना का प्रचार किया गया है, आपके क्षेत्र के जो भी बीएलओ या कोई भी आंगनबाड़ी वगैरह से आपके पास सिंचाई की कोई सूचना नहीं आई? नहीं, कोई सूचना नहीं है हमारा, ना कोई हमें कोई उसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ नहीं मिला, बस ये मुझे बीमारी का कार्ड वगैरह है, आयुष्मान कार्ड वही है, उसी का लाभ मिलता है, बाकी कोई लाभ। क्या क्या चाहते हैं आप आने वाली सरकार से, क्या उम्मीद रखता है एक आम मतदाता, एक गरीब आदमी को क्या उम्मीद? बस ये कि थोड़ा महंगाई कम हो जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, महंगाई अगर कम होगी तो सभी अपने आप मुद्दे सही हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई साहब जो बात ये बोल रहे हैं आप उनसे सहमत हैं कि जो महंगाई के मुद्दे से लेकर और आम योजनाओं को लेकर लग रहा है कि आपको कोई योजना का फायदा नहीं मिल रहा? नहीं यार, योजना का फायदा तो मिल रहा है गवर्नमेंट, जैसे अभी 1250 में लाडली बहना मेडिकल वगैरह जो होता है फ्री वो भी मिल रहा है, राशन फ्री आ रहा है वो भी मिल रहा है, और भी जो सुविधा है वो लगभग मिल ही रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही वो बात अलग हो जाती है, लेकिन लगभग मिल रही है। मेरे विचार से ये पब्लिक की राय में अगर योग्य व्यक्ति जो है उस योजना के हिसाब से अगर उसको उसका लाभ मिल रहा है तो सरकार का ये प्रयास सफल हो रहा है, जो सरकारी योजनाओं के हिसाब से उस योजना के लायक है सरकार अपनी योजनाएं वहां तक पहुंचा पा रही है ना, बराबर मिल रहा है लोगों को मिल रहा है। आप भी सिलाई का काम करते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का आप जैसे लोगों के लिए ही चलाई गई है, आपको लगता है इस योजना से कुछ फायदा होगा आने वाले समय में आपको? नहीं, आने वाले लोगों को फायदा मिलना तो है, फायदा मिलेगा इससे, ये घर घर लोग काम करेंगे, अपनी मजदूरी चलेगी, उनका बिजनेस बनेगा, उनका घर खर्च वगैरह चलेगा, आमदनी बढ़ेगी, ये सुविधाएं अच्छी है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आम मतदाता अपनी राय रखता है कि उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है या सरकार कहीं ना कहीं योजनाओं को आम व्यक्ति तक पहुंचा नहीं पा रही है, बहुत प्रयास है, प्रचार भी भरपूर किया जा रहा है, हम और भी लोगों से इस विषय में बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आइए, लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में आपकी क्या राय है? सर अलग अलग मुद्दे, बीजेपी अपनी चाल चल रही है, कांग्रेस अपनी चाल चल रही है, बेटा जीतेगी तो मोदी ही कुछ करने सकते। क्यों लगता है आपको ऐसा कि मोदी जी ही जीतेंगे? जितना उसने करा है, जैसे अपने एमपी में जितना भी करा है, बहुत कुछ करा है, जैसे फ्लाईओवर हुआ, ब्रिज वगैरह हुए, जैसे मेट्रो आ रही है, चक्कर में मोदी ही जीतेगा सर। आपको लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार थी उसने भोपाल या देश के विकास के लिए बहुत काम किया हो? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ मोदी ने किया, पिछला तो कुछ भी नहीं किया। उसी सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस तो सिर्फ पैसा दबाते हुए आई है बस, अभी सिर्फ सिर्फ बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार जो आगे जाके तरक्की कर रही है बस। आपको लगता है भाई साहब जो बात ये कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, मोदी ने जो देश में विकास का काम किया है अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, मोदी ही जीतेगा, हम लोग तो कुछ नहीं है। आपकी बार 400 पार का जो नारा वो दे रहे हैं वो क्रॉस होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, हमसे धन्यवाद बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, आपका नाम? रामचंद्र पाटीदार। रामचंद्र जी, आप बताइए लोकसभा चुनाव 2024 को लेके जो अभी वर्तमान सरकार है उसका क्या नजरिया आपका, आपको लगता है कि रिपीट होगी लोकसभा में? 101% होगी। क्या कारण लगता है आपको, क्या योजनाएं आपको प्रभावित कर रही हैं, क्या काम प्रभावित करा आपको? अभी तक जो भी काम करे हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, सभी एक तो पूरे जो उनके वादे थे वो पूरे वादे करे हैं, दूसरा हमारा देश प्रगति पे है, कई ऐसे कार्य हैं जो रुके हुए थे वो भी हुए हैं, 370 से लेके तो राम मंदिर तक, तो कार्य तो बहुत करे हैं। कुछ महंगाई के मुद्दे पे पब्लिक कहती है कि राय काम नहीं, ये तो देखिए प्रगति आपकी होगी और आपका रोड से लेके सब आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोई ऐसी आपको लग रहा है योजना है जिस पे सरकार ने विशेष काम ना किया हो या आगे बहुत कुछ करना उस विषय में बाकी? देखिए अभी तो बीजेपी को कायदे में एक पूरा एक मत एक कानून बना देना चाहिए हमारे देश में, अगर वो बना दिया तो बीजेपी अगले 5 साल के लिए फिर तैयार हो जाएगी।
आपको लगता है कि हम काम और मुद्दों और पार्टी के अलावा सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है? नहीं, कार्यकर्ता तो काफी बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुद्दा और चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री जी का ही है, मोदी जी का ही है। बताइए सर, वर्तमान सरकार के से कौन से कार्य जो आपको लग रहा है कि सरकार रिपीट होना चाहिए मोदी जी की सरकार? मोदी जी की सरकार, एक तो सड़क का सबसे बढ़िया वो काम चल रहा है, सभी जगह हाईवे वगैरह सब चल रहे हैं, और बाकी जो भी सारी योजनाएं हैं वो बढ़िया चल रही है मोदी जी। पाकिस्तान और चाइना के मुद्दे पे जो सरकार का रुख रहा है, आपको लगता है कि आप उस उन मुद्दों पर सरकार से सहमत हैं? किस तरह से पाकिस्तान को और चाइना की जो भी हम उनके मुद्दों को हैंडल कर रही है सरकार, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर आप सरकार से सहमत हैं? हाँ सर, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हम चाइना से वो टक्कर नहीं ले पा रहे हैं या पाकिस्तान के मुद्दे पर सरकार का रुख सही नहीं है, इस विषय में आपकी क्या राय है? कश्मीर और 370 जैसी धाराओं के विषय में आपको क्या लगता है? वो तो मोदी जी ने वो सही किया है। लोकसभा चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन मुद्दे पर सरकार और भी काम करेगी? लोकसभा चुनाव के बाद और काम करेगी। इंटरनेशनल संबंध तो हमने पूरे खत्म कर लिए, कर लिए। हमारा जो रशिया हमें सपोर्ट करता था, आज हमने सब संबंध बिगाड़ दिए, ठीक है? तो हम अमेरिका की तरफ ज्यादा रुख हो गया हमारा, और अमेरिका तो मुझे नहीं लगता किसी का सगा है, उसको जहाँ पे अपना फायदा दिखता है वो वहाँ पे काम करता है। तो इंटरनेशनल नीतियों में तो बीजेपी सरकार थोड़ी कमजोर रही है। हाँ, चाइना ने वैसे भी हमें तीन तरफ से तो ऑलरेडी घेर के रखा, श्रीलंका में बना के रखा उसने अपना, पाकिस्तान में है ही उसका, हमारी नेबरिंग कंट्रीज को तो उसने कैप्चर करके वैसे ही रखा हुआ, पूरा इन्वेस्टमेंट डाल के वहाँ। तो उस तरीके से इंटरनेशनल थोड़ा सा अपना खराब रहा है। इसराइल के मुद्दे पे या और भी मुद्दों पे सरकार का रुख तो बहुत स्पष्ट रहा है। जब हमारे यहाँ जब वहाँ पे युद्ध हुआ गाजा में, तो भी भारतीयों को तो बहुत सुरक्षित तरीके से निकालने में सरकार की नीति की विदेशों में सराहना की जा रही है। इसराइल के मामले में तो हमने अच्छा अपना जो स्टैंड रखा था वो बढ़िया था, इसराइल के सपोर्ट, क्योंकि यूक्रेन के टाइम भी यही हुआ था। हाँ, यूक्रेन के टाइम पे हमने रशिया जो हमें सपोर्ट पहले जो खुल के करता था, आज आप वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं कि हम अपनी सरकार को दोष दें, कुछ उन्हें भी अपने फायदे देखे होंगे। हो सकता है, अब इतना नॉलेज तो आम आदमी को नहीं रहता है। नहीं, लेकिन हम एकदम स्पष्ट अपनी सरकार को दोष देने से पहले हम सामने वाले को भी तो देखेंगे, वो भी अपना फायदा देख रहा होगा ना। हो सकता है देख रहा होगा, उनको भी अपने पेट्रोल और कच्चे तेल के लिए ग्राहक चाहिए ना, तो उनको वो भी देखेंगे। तो हमने उस चीज में, हमने उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो हमने अमेरिका के विरुद्ध खुल के कहा था कि हम इनसे जो है ऑयल इंपोर्ट करेंगे, आपको जो सैंक्शंस लगाने आप लगा लो। तो वो बहुत बहुत अच्छा स्टैंड था हमारी गवर्नमेंट का इस तरीके। बाद में आपको क्या लगता है, सरकार उस मुद्दे पे कमजोर पड़ गई? हाँ, यानी एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो रशियन हमें जो हमेशा से सपोर्ट, अगर आज हमारा युद्ध होता है तो चाइना अगर हम पे अटैक करता है तो सबसे पहले हमारे लिए आके खड़ा होता है रशिया, अमेरिका वहाँ पे हाथ खड़े कर रहे हैं। इसराइल का भी कहना है कि जब कभी इंडिया से कोई वॉर होगी तो सबसे पहले हम उसका फेस करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है इसराइल हमारे लिए अच्छा दोस्त साबित होगा? अच्छा दोस्त साबित। सरकार का रुख इसराइल के प्रति रहा है अभी प्रेजेंट में, वो चीज़ बहुत बढ़िया रही है इसराइल के लिए, जो हमने स्टैंड लिया था बहुत अच्छा। कश्मीर के मुद्दे पे आपको लगता है सरकार ने जो 370 हटा के किया है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, देश के हित में है? है बिल्कुल, क्योंकि वन कंट्री वन सिटीजन, तो भाई सबके जो अधिकार हैं वो एक जैसे होने चाहिए, उनके लिए अलग कानून या हमारे लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में आपको लगता है बहुत उलटफेर होगा, कुछ नया परिवर्तन आए? मुझे लगता है कि बीजेपी संपूर्ण बहुमत से शायद नहीं आ पाएगी, क्योंकि साउथ जो है वो बीजेपी का कमजोर है, साउथ वाले 400 पार का जो नारा दे रहा है वो 400 पार तो होना ही है। मोदी जी ने संकल्प लिया है उसको पूरा करना फर्ज हम लोगों का है, 400 पार होना चाहिए। चलिए, आप सबसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ द खबरदार न्यूज से ना।